नमस्कार मित्रों, और आप लोग देख रहे हैं गाय रोड पे टहल रही हैं। ये भी गाय रोड पे टहल रही है, सारी गायें रोड पे टहल रही हैं। एक्चुअली गायों को रोड पे टहलना क्या आप लोगों को लगता है, ये बुरा है या अच्छा? मैं लोगों की जानकारी और लोगों की समझ देखना चाहता हूँ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये जो गायें टहलती हैं योगी मोदी की वजह से टहलती हैं। जो लोगों को ये लगता है कि योगी मोदी की वजह से टहलती हैं, तो उन सभी लोगों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा, गाय योगी मोदी ने ला के नहीं छोड़ी है, आप हम आम लोगों जैसे लोगों ने छोड़ी है ना। तो आज के बाद आप लोग योगी मोदी को इसके लिए ज़िम्मेदार न ठहराइए। अगर आप लोग प्रॉपर्ली गाय पाल नहीं सकते हो, तो कम से कम उसको बाहर छोड़ो तो ना, कम से कम उसको प्रॉपर्ली ले जाके, जो योगी जी ने और मोदी जी ने स्टेप्स उठाए हैं, जो गौशालाएँ बनाई हैं उसमें ले जाके रखो, है ना। अगर आप उसमें रखोगे तो कम से कम एक्सीडेंट्स रोड के रुकेंगे, चीज़ें बदलेंगे, लोग बदलेंगे, सब लोग बदलेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। दोबारा योगी मोदी को ब्लेम करने से पहले अपने आप को, अपने गिरेवान में झाँक के देखो, अपने गांव वालों को झाँक के देखो, यार रिश्तेदार, लोगों को अवेयर करना शुरू करो, अवेयर इस चीज़ पर करना शुरू करो कि चीज़ों की जानकारी नहीं लोगों को। गौशाला योगी जी ने बनवा दी, लोगों ने कंप्लेन की, तो अब गौशाला में छोड़ने की जगह लोग क्या करते हैं, रोड पे छोड़ दो लोग। और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गायों से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कितने लोग आए दिन गायों से लड़के, रात में काली गाय है, रोड काली और रात का अंधेरा, और लोग मर जाते हैं लड़के। ये चीज़ें गलत हैं। हमको आपको सबको मिलके सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी हमारे सरकार में अगर आए हैं या योगी जी हैं सरकार में, तो उसके पीछे का मुख्य कारण कौन जानते हैं? मुख्य कारण हम और आप हैं। और हम आप अगर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। जिम्मेदारी समझिए और बातों को सीरियसली लीजिए। अगर आप सीरियसली नहीं ले पा रहे, मैं विजय शुक्ला आप लोगों को सीरियसली लेना सिखा दूंगा, क्योंकि लेने और देने से ही ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गुरु इंडिया। धन्यवाद।